अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक ठाक हों। दोस्तों, आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप अपना न्यू शनाख्ती कार्ड या बेफार्म या आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है तो उसको तस्दीक करवा कर दोबारा कैसे ले सकते हैं। जो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ये तमाम बातें बताई जाएँ और ये बहुत ही ईजी वे से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर लीजिए। तो चलें दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि ये शनाख्ती कार्ड और बे फार्म के मतलब आपको बताऊँगा कि आप कैसे उसको बनवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे जो नादरा की दफ्तर से नया शनाख्ती कार्ड बनवाने के हवाले से नई पॉलिसी जारी की है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 9 पॉइंट मैं आपको रीड करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, और आपने मतवज्जो सही तरीके से सुन लेने और इस पर अमल करके आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है कि नादरा ने साबिक और आइंदा के काउंसलर और चेयरमैनों के पास मौजूद तस्दीक का इख्तियार ख़त्म कर दिया कि आपको अपने कागजात तस्दीक करवाने की ज़रूरत अब नहीं पेश आएगी। सेकंड पे ये है कि नए शनाख्ती कार्ड या बे फार्म के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की शर्त नहीं है। तकरीबन आपको पास बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी ख़त्म कर दिया अगर आपके पास मैट्रिक की सनद या पासपोर्ट या डोमिसाइल पर आपका कार्ड बन जाएगा। अगर आप बेफार्म बनवाना चाहते हैं तो वालद और वालदा के कार्ड के साथ तारीख पैदाइश लिखकर बेफार्म बन जाएगा। तो थर्ड पे ये है कि अगर आप अफसर के पास नहीं जाना होगा, कार्ड होल्डर अपने वालद भाई या किसी भी फैमिली मेंबर का फॉर्म खुद तस्दीक कर सकेगा। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे ये है कि अगर आपको तस्दीक की ज़रूरत पेश आए तो आप खुद तस्दीक कर सकते हैं। फोर्थ पे यह है कि मैट्रिक की सनद, पासपोर्ट या डोमिसाइल और वालदैन के शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। तो दोस्तों, 5 पॉइंट ये है कि ख्वातीन को कार्ड के लिए निकाह नामे की ज़रूरत नहीं होगी। शोहर के कार्ड पर बीवी का कार्ड बनेगा, सिर्फ 20 रुपये का स्टाम्प पेपर लगेगा। छठे पे यह है कि फाटा के शहरी किसी भी शहर से शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। सातवें नंबर पे कार्ड गुम होने पे FIR की ज़रूरत नहीं, स्टाम्प पेपर बयान हल्फी खूबसूरती दे के नया कार्ड प्रिंट मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपका कार्ड आईडी कार्ड गुम हो चुका है तो आप नया प्रिंट ले सकते हैं। आठवें नंबर पे ये है कि कार्ड वसूली के लिए असल टोकन के साथ खुद दफ्तर जाना होगा। अगर कोई रिश्तेदार जाए तो अथॉरिटी लेटर उससे लेके जाए और कार्ड मिल जाएगा। 9 पॉइंट जो है कि नाम तब्दीली के लिए खबरदार इश्तहार नहीं देना होगा। नए कार्ड के लिए नादरा अफसर इंटरव्यू करेगा और कमेंट्स देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये फॉर्मेलिटी से रीड कर ली होगी और सुन भी ली होगी। अगर आपको ये वाली दोबारा चाहिए तो मैं आपने डिस्क्रिप्शन में ये सारी फॉर्मेलिटी लिख दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद ही होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। इंशाल्लाह रियल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचती जाएगी।